हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं तब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो लेनी पड़ती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली प्रिकॉशन जो है वो क्या है, द इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड सॉकेट्स शुड बी फिटेड एट अ हाइट एट विच स्मॉल चिल्ड्रंस कैनॉट रीच एंड पुट पिंस और नेल इनसाइड। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी हमारे घर के अंदर स्विचेस है, यहाँ पे स्विच देख रहे हैं, तो ये स्विच जो है वो कम से कम इतने हाइट पे होने चाहिए कि जहाँ तक हमारे छोटे बच्चे जो है उनका हाथ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि बच्चों को आदत होती है कि उसके अंदर पिन डालते हैं, जो नेल से वो इंसर्ट करते हैं, उसकी वजह से उन्हें शॉक लग सकता है। दूसरी जो प्रिकॉशंस है, यू हैव टू पुल द प्लग। जब हम स्विच में से प्लग जो है निकालते हैं सॉकेट में से, तो उस समय हमें क्या करना है, उस प्लग को पकड़ना है, उसे बाहर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखना है, देख रहे, यू शुड नॉट हैव टू प्लग द वायर, पुलिंग व्हाइल रिमूविंग द प्लग फ्रॉम द सॉकेट। तो प्लग जब हम सॉकेट से निकालते हैं तो उस समय हमें वायर को पकड़ के नहीं खींचना है। अगर वायर को पकड़ के खींचते हैं तो वो सॉकेट से वायर बाहर निकल सकता है, उसकी वजह से हमें शॉक लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब जो थर्ड प्रिकॉशन जो है वो थर्ड प्रिकॉशन सेकंड प्रिकॉशन जो है, तो सेकंड प्रिकॉशन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो वह क्या क्या करना है, तो बिफोर क्लीनिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इट शुड बी स्विच ऑफ एंड इट्स प्लग रिमूव फ्रॉम द सॉकेट। जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को साफ करते तो उस समय उसका स्विच सबसे पहले बंद करना चाहिए और प्लग भी उस सॉकेट में से निकालना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपको रेफ्रिजरेटर साफ करना है तो उसकी क्लीनिंग करनी है, तो पहले स्विच को बंद कर दीजिए, फिर स्विच बंद किया इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आपको प्लग नहीं निकालना है, तो प्लग जो है वो भी सॉकेट से बाहर निकालना है, इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी। अब हम थर्ड प्रिकॉशन जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो तीसरी प्रिकॉशंस जो आपके सामने है, वंस हैंड शुड बी ड्राई व्हाइल हैंडलिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड एज फार एज पॉसिबल वन शुड यूज़ फुटवेयर विथ रबर सोल्स। अब यहाँ पे देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है इसको अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ कभी भी ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर और हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दूसरी जो है, वी शुड हैव टू यूज द फुटवेयर विथ रबर सोल्स। हमारा जो यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो रबर की जो फुटवेयर है इसे हमें पहनना चाहिए, क्योंकि रबर फुटवेयर ये जो है इंसुलेटर है, तो इसकी वजह से अगर हमें शॉक लगता है बाय चांस तो उसे अर्थिंग नहीं मिलेगा, और अर्थिंग नहीं मिलने की वजह से हमें शॉक नहीं लग सकता। देन हम रबर ग्लोव्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि रबर इज एन इंसुलेटर, इट प्रिवेंट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट। रबर इंसुलेटर है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, तो रबर ग्लोव पहनना ये सबसे अच्छा तरीका होगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट फोर्थ प्रिकॉशन जो है वो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा फेंट आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब क्लियर यहाँ पे आए, फोर्थ प्रिकॉशन आप देख पा रहे हैं, इफ अ पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक यू शुड नॉट टच दैट पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को शॉक लगता है और आप देख रहे हैं तो उसे कभी हाथ से टच नहीं करना चाहिए। अगर उसे टच करेंगे तो आपको भी शॉक लग सकता है, उसकी ज़िंदगी बचना तो मुश्किल है, आपको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यू शुड स्विच ऑफ द क्या करना चाहिए, यू शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच एंड इफ द स्विच इज टू फार, यू डू नॉट नो वेयर इट इज लोकेटेड, देन यू शुड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट इफ पॉसिबल। अगर आपको मेन स्विच कहाँ है, मेन स्विच को सबसे पहले बंद करना है, लेकिन आपको मेन स्विच अगर पता नहीं तो उस समय आपको क्या करना है, तो जो सॉकेट में प्लग है, जिस प्लग से उस व्यक्ति को शॉक लगा है, तो वो प्लग बाहर निकालना चाहिए। पहले तो स्विच को बंद कीजिए और प्लग को बाहर निकाल लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, इफ नॉट देन यू शुड यूज द वुडन पोल टू पुश द पर्सन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल। वुडन पोल जो है एक जो है लकड़ी लेनी चाहिए, वो भी ड्राई, गिल्ली नहीं होनी चाहिए, तो उससे उस व्यक्ति को जिसे शॉक लगा है उसे क्या करना है, पुश करना चाहिए। थैंक्स।
तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है ये आपने इस वीडियो में देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।